एवरीबॉडी, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, हमारी जाने की तैयारी चल रही है। लगेजेस, बैग्स एंड एवरीथिंग, ये सब यहाँ पे रखा हुआ है। आज फाइनली हम पैकिंग करने वाले हैं, शुरू होगी। सो उसके पहले, पैकिंग करने से पहले, हम इंडिया जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा हमको वापस आने में, तो उससे पहले हम लोगों को काफी टाइम लगने वाला है। सो काफी सारे लोगों ने स्टार का एंटायर स्टेशनरी कलेक्शन का एक वीडियो मांगा था, तो इंडिया जाएंगे तो नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए हमने सोचा कि जाने से पहले आप लोग को एक बता देते कि स्टार के पास कितनी सारी स्टेशनरीज है और क्या क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, बाकी सबको पता है कि स्टार के सारे स्टेशनरीज ये कलरफुल ड्रॉवर्स में रखती है स्टार। यस, ऊपर वाला एक छोड़ के बाकी सारे जो चार ड्रॉर्स है वो स्टार के हैं। ये वाला कबर्ड भी स्टार का है जिसमें स्टार के कपड़े हैं, और ये स्टार का स्टडी टेबल है जैसे आपको पता है। तो स्टेशनरी सारे ये तीन कैबिनेट्स में रखे रहते हैं और वो पूरे ओवरफ्लो कर रहे हैं। सो काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आ गया था तो हमने सोचा चलो फाइनली बना ही देते कि स्टार के स्टेशनरी में क्या क्या है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू टेक अ रियली लॉन्ग टाइम, सो यू बेटर एंजॉय दिस वीडियो विथ सम चॉकलेट्स, स्नैक्स एंड एवरीथिंग। ओके, जस्ट टेक अ पॉपकॉर्न एंड जस्ट टेक अ बोल ऑफ पॉपकॉर्न एंड एंजॉय ऑल माय स्टेशनरी। यस, ओके। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये सारा तीनों जो कैबिनेट है ना, इसको निकाल के बाहर रखते हैं। ये आई थिंक 2 ईयर्स पहले मैंने ऐसे ही किया था, स्टार के सारे मैंने कैबिनेट्स निकाल के आपको दिखाए थे। सो तीनों कैबिनेट स्टार निकाल रही है। सो गाइज, ये थोड़ा सा मैसी है, हम एक एक करके आपको दिखा देंगे क्या क्या है। सो ये आ गया एक कैबिनेट, मैंने एक बार आपको क्लीनिंग भी दिखाया था। सो हम ना जो सबसे कम वाला ना उससे स्टार्ट करते हैं। इससे और 1, 2, 3 एंड दिस इज द मोस्ट ओवरफ्लोइंग वन। यस एग्जैक्टली, सो दिस इज वेयर आई कीप मोस्ट ऑफ देम ऑल। ओके फाइन, सो दीस आर माय स्कूल स्टेशनरी गाइस, यू ऑफ माय नोट। ओके, वी विल शो दैट वन फर्स्ट। ओके गाइस, सो ये है सारे स्टेशनरी, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस साइड। यस, तो ये है स्कूल स्टेशनरी। सो गाइज, जेवियन बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहा है, सो हम लोग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। सो फर्स्ट आपको जल्दी जल्दी बता दो, स्कूल स्टिकर्स विच आपको पता ही है, उसमें मैंने कुछ डोरेमोन के रखे। सो गाइज, ये वाले डब्बे में बैक टू स्कूल के और डोरेमोन के कुछ स्टिकर्स है जो स्टार ने DIY करके बनाए थे। फिर यहाँ पे है स्केच पेन्स, लूना के स्टेडलर स्केच पेन्स है, ये नॉर्मल स्केच पेन्स। और मेरे पास ये सर्कल वाला स्टेंसिल है जो मैं हर सब कुछ मैं यूज करती हूँ, जब भी सर्कल वगैरह बनाती हूँ। फिर मेरे पास कुछ स्केल्स है, एक ये यूनिकॉर्न वाला जो मैं मोस्टली यूज करती हूँ, और एक ये नया वाला अभी भी पैक्ड वाला फैबर कैसल का है। हाँ, तो ये जो है ना, ये सारी स्कूल स्टेशनरीज है। yes. फिर यहाँ पे दो सिजर्स रखे जो स्टार के हमेशा यूज करती है। फिर स्टार के पास वाइट ग्लू है। यस, एंड यहाँ पे स्टार के पास एक क्या है, ये किट है, ये जो ये एनिमल किट्स एक्टिविटी किट है, ये एक्टिविटी किट जो जोया ने स्टार को दिया था। yes. जब जोया इंडिया से वापस आई थी तो उसको एमिरेट्स फ्लाइट में मिला था, तो इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज करने के हैं, तो वो किट है। example, ये कार्ड्स हमने दिखाए थे उसको पहले। हाँ, दिखा चुके हैं हम लोग, तो ये कार्ड्स वगैरह करने के कुछ एक्टिविटी देख रहे हैं, तो अभी भी हमारे चैनल में अवेलेबल है। आप हमारे चैनल में जाके सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाता है। ओ वाह, फिर यहाँ पे कुछ स्कूल के स्टिकर्स है, मतलब लेबल्स जो होते हैं ना, लेबल्स स्कूल लेबल्स है, नाम वगैरह लिखने का। तो ये काफी सारे हमारे पास रखे हुए हैं, तो ये स्टार के पास स्कूल के लेबल्स है। एंड देन ये आप लोगों को पता है, हम लोग ने इस बार तो ये स्कूल ये कवर करने के लिए हम लोग ये लेके आए थे, लैमिनेटिंग पेपर लेके आए थे, तो ये बच गया था तो ये हमने रख दिया है, तो ये वाला पेपर है। नाउ इधर ही रख देती हूं, बेस्ट की करो। हाँ, नेक्स्ट इसमें दिखा देते हैं कि क्या क्या है, मैं बस एक बार रख दूँ सब। सो ये वाला बॉक्स निकाल के दिखाते कि इसमें क्या क्या है स्टेशनरीज। तो फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा हाईलाइटर, मेरे पास ये 3 ऑरेंज येलो और ग्रीन हाईलाइटर्स हैं। फिर मेरे पास ये परमानेंट मार्कर है, ये कलर्ड वाले परमानेंट मार्कर्स है, रेड ब्लैक ग्रीन और ब्लू में। फिर मेरे पास ये के लाइन वाले स्टिकी नोट्स हैं। फिर ये क्या कचरे वाला पेपर है, ये आपने कैलीग्राफी की है? यस।
ओके मैंने एक और राइटिंग किया था तो ये कैलीग्राफी की है ये अभी भी हमारे पास बैच का अच्छा बैच का एक रखा हुआ ये क्या है ये फोटोज है इसमें कौन सी फोटोज है आपके मेरे कुछ बचपन के फोटो ये मेरा एक स्कूल का फोटो था ये स्टार स्टार है स्टार जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी फिर मेरी ग्रैंड मदर ये मेरी मम्मी है दैट्स ऑल ये मेरी मम्मी है ये मम्मी का फोटो भी है स्टार के पास वाओ ओके देन ईएलपी की एक्टिविटी ये नर्सेस डे का और ये मदर्स डे का तो एसी में रखा हुआ आपने यस ओके फिर एक नॉर्मल स्केल रैंडम स्केल रखा हुआ है फिर ये आपको वाटर कलर ब्रश में पता है इससे मैंने ये कैलीग्राफी वगैरह किया था ओके फिर स्टिकी नोट्स ये है वो फोम शीट्स स्टेपलर एंड स्टिकी नोट एंड दिस इज जस्ट अ रैंडम बॉल सो बाय फेंक दिया ओके सो ये था ये डब्बे के अंदर चलो इसको वापस रख देते हैं सो गाइज ये हमने वापस रख दिया है अब नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है सो अगर हम लोग सब निकाल निकाल के ऐसे ही फेंक देंगे तो फिर मेस रहेगा ना तो इस मेस हो जाएगा वापस मेस हो जाएगा तो इसीलिए हम उसको फिर से रख रहे हैं फर्स्ट मेरे पास हॉट ग्लू गन है इसके जो वो कहा है गन्स है मेरे पास नहीं है वो स्टिक्स ग्लू स्टिक्स हाँ है मेरे पास दूसरे ड्रॉर में ओके एक दूसरे ड्रॉर में मेरे पास एक और ड्रॉर है ओके क्राफ्ट ड्रॉर राइट हाँ वो जो बेडरूम है हाँ तो इधर रखे हुए बहुत सारे पेन पेन पेंसिल्स व्हाइटनर्स और है इतने सारे स्टेपलर बाहर पड़े हुए यस इसके बॉक्स कहाँ गया इसका बॉक्स टूट गया अच्छा अच्छा ये क्या ये स्टार के पास Yes, so many stapler pens. Then she has more staplers. More pens. I mean stapler pens. फिर मेरे पास fabric glue. I don't know मैंने fabric glue क्यों रखा. Okay. कुछ erasers है. फिर star का ये rabbit वाला sharpener है जो नया लिया है. और भी sharpeners है और फिर एकदम deep जाओ तो ये कुछ label stickers है. Okay, okay. तो यहाँ पे स्टार ने जो नया वाला शार्पनर लिया था ना वो स्टार कहीं और रख दिया था उसने तो अभी लेके आई है और कटर भी हाँ तो ये कटर है स्टार का और भी कटर है स्टार का बट आई डोंट नो कहाँ रखा उसने इसमें रखा वो ऑरेंज वाला तो ये नया शार्पनर स्टार ने लिया था रैबिट वाला और कौन से शार्पनर है बस छोटे छोटे रैंडम वाले शार्पनर्स है सो दैट्स इट ये सब इसमें है तो अब स्टार इसको भी वापस रख देगी ओके Now we'll go to the second drawer में चलते हैं। Now let's go to the pink drawer. तो ये स्टार का पिंक ड्रॉर और पिंक ड्रॉर में सबसे पहले मुझे दिख रहा है बहुत सारे ये क्वाइट बुक्स क्वाइट बुक्स का बहुत जो बिल्कुल क्वाइट नहीं है गिर रहे हो तो यहाँ पे स्टार के क्वाइट बुक्स है तो दिखा देते हैं आप और इनके डॉल्स भी आप सोच रहे हो कि मैंने खाली दो डॉल्स रखे ये पजामा सेट और इसका समर वार्डरोब का पजामा सेट के विग्स मैंने रखे और समर वार्डरोब के भी विग्स मैंने रखे खाली दो डॉल्स रखे ताकि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे अच्छा और इनके डॉल्स इसके अंदर ही है इनके डॉल्स ये इसमें ही है ये ऐसे डोर खोलते तो हाँ तो ये मर्मेड क्वाइट बुक है यूनिकॉर्न का इसमें सेपरेट होल्डर है ओके तो ये यूनिकॉर्न डॉल हाउस है ये पजामा सेट है ये समर वार्डरोब है और ये मर्मेड डॉल हाउस है और ये स्टार का एक वर्ड सर्च का बुक है नया वाला वर्ड सर्च बुक का है नया वाला आई थिंक उसमें रखा था उसमें ओके और फिर ये स्टार के पास ये डॉग वाला क्वाइट बुक फिर जो मुझे अपने बर्थडे में हैप्पी बर्थडे कार्ड मिले थे मैंने इधर ही रखा है फिर ये जब मैं आई गेस सेकंड स्टैंडर्ड में थी तो ये मैं स्कूल में बनाती थी क्राफ्ट वगैरह के टाइम में कैमरा फिर मैंने फादर्स डे का इधर ही रखा फादर्स डे कार्ड यस ये आपको याद होगा ओके डोरेमोन गेमिंग बुक यस काफ़ी कुछ है फिर ये वाला एनिवर्सरी कार्ड है जो स्टार ने हम लोग को दिया था वो भी स्कैवेंजर हंट जिसमें सारे हिंट्स वगैरह इधर ही होते हैं ओह यस स्कैवेंजर हंट हाउ आई फॉरगॉट फिर ये वाला है यूनिकॉर्न गेमिंग बुक ये किसने तुमने ही बनाया राइट मैंने बनाया ओके नेक्स्ट फिर जब जोया ने मेरे बर्थडे में कार्ड दिया था ये मुझे कार्ड बहुत अच्छा लगा ओके और ये वाला उसने दिया था ये फन बुक हाँ ये जोया ने स्टार के बर्थडे में दिया था और
Yeah, that's last. So this box is also overflowing. Yes. This one. तो ये सब उठा के रख देते हैं. सो गाइज अब दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है. तो यहाँ पे सारे पाउचेस है स्टार के. तो लेट्स सी व्हाट इज इन वन वन पाउच. लेट्स स्टार्ट विद दिस. इसमें मेरे कलर पेंसिल्स है. ओके. सो ये है स्टार के कुछ कलर पेंसिल्स. यस. ओके. नेक्स्ट पाउच. दिस वन व्हिच आई हैव स्केच पेन्स. या आई हैव फ्यू ऑफ माय स्केच पेन्स इन दिस. सो ये स्टार के सारे स्केच पेन्स हैं. And then this one I have my paintbrushes, I guess. Let's see. I have few random sticky notes and all papers. Really sorry, मैं इधर तो ये वाला इसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं रखा है. ये pop up. Okay. फिर ये वाला इसमें मैंने अपने कुछ स्कूल के आइटम्स भर के रखे तो इसको भी सही में रखते हैं. आपको पता है कि मैं इसमें रखती हूँ अपने जो स्कूल के डेली यूजेस के सामान है ना वो स्टार ने रखे. और इसमें भी मैं अपने कुछ कुछ रखती हूँ. इसमें मैंने ग्लू स्टिक्स वगैरह वैसे ही स्टेशनरी रखा है. तो ये इसमें भी मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला है. ये बस एक छोटा सा स्मॉल पाउच है. इसमें मैंने अपने ग्लिटर ग्लू और पेंट ब्रश रखे हैं. फिर इसमें मैंने अपने कुछ क्यूट वाले स्टेशनरी रखे हैं लेकिन मैंने अभी तक इसका टैग नहीं काटा क्योंकि ये बहुत क्यूट है. फिर इसमें भी मेरे कुछ स्केच पेन्स वगैरह हैं. माय गॉड सो मेनी स्केच पेन्स. यस. फिर ये वाला आपको पता है ये मेरा नया पाउच है. इसमें अभी भी फोन फोम रखा है इसके अंदर. ये यूनिकॉर्न पाउच नया वाला लिया है ये. yes. वो है ये वाला भी है स्टार के पास. मेरे पास ये कीचेन है लेकिन मैं अभी तक मैंने इसके अंदर कुछ रखा नहीं है. फिर ये इसमें मैंने अपने ग्लिटर्स रखे हैं. ये ग्लिटर जो ऐसे ट्यूब्स वाले में होता है मैंने अपने बहुत सारे ग्लिटर्स रखे हैं इसमें. इसको बंद करके रख देते हैं. एंड आई थिंक दोज आर ऑल द पाउचेस. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. फिर मेरे पास ये बॉक्स में कुछ रैंडम पेंसिल्स रखे हैं जेरिक वगैरह के लिए. इसको साइड में रख लेते हैं. फिर मेरे पास ये नए वाले आर्ट मार्कर्स है. मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया. ये अभी भी वैसे ही है. एक बार यूज़ किया था ना. एक बार मैंने उसको टोनी आसे क्रैप्स के रिक्रिएशन में यूज़ किया. अभी तक तो उसको और किसी चीज़ों में यूज़ नहीं किया. ओके. नेक्स्ट. ये अच्छे वाले हैं. ओ आई फॉरगॉट फ्यू मोर पेंसिल बॉक्सेस एंड ऑल. सो मैं बस आपको इसके ऊपर जो रखे ये पेंट रखे मेरे ये लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि इसमें रखूं क्या मैं. फिर मैं दिखाती हूँ. ये मेरे पास एक बहुत ही कलरफुल और क्यूट सा ये ब्यूटीफुल वाला पेंसिल पाउच है लेकिन अभी तक मैंने इसमें कुछ भी रखा नहीं है. फिर ये मेरे पास एक नया वाला मर्मेड का है. मैंने ये हेलो किटी वाले के साथ लिया था लेकिन मैंने इसको अभी तक यूज भी नहीं किया इसलिए इसमें अभी भी इसका ये क्यूट सा टैग लगा है. ओके. एंड देन देयर आर सम पेंसिल केसेस. ये पोनी वाला बहुत ही पुराना वाला है. पोनी मेरे पास अपने कुछ पर्स वगैरह रखती हूँ. फिर ये मेरे पास ये स्टार वाला पेंसिल केस है. फिर मेरे पास ये क्यूट स्ट्रॉबेरी बेर वाला है. ये मैंने बहुत पहले लिया था. और मेरे पास ये प्रिंसेस वाला है. ओके. तो ये वाले दो पेंसिल केसेस भी है स्टार के पास. और यस. एंड फिर यहाँ पे एक जूट है. ये जूट के थ्रेड्स होते हैं ऐसे वाले वो स्टार ने यहाँ पे रखे हुए हैं. फिर यहाँ पे कुछ और एक डब्बा है. फॉर्म्स एंड थ्रेड एंड दीज आर दीज नॉर्मल क्रेयॉन टाइप्स पेस्टल क्रेयॉन्स. फाइन. सो फाइनली ये वाला डब्बा भी एम्प्टी हो गया. तो सबसे पहले स्टार ये सब उठा के रख देगी. yes. उसके बाद आपको लास्ट वाला डब्बा दिखाते हैं कि लास्ट में क्या है. सो गाइस ये वाला डब्बा भी स्टार ने सेट कर लिया है. नाउ दिस इज द लास्ट बॉक्स व्हिच इज रियली रियली फुल. चलो चलो फटाफट दिखाओ. स्टार्ट फ्रॉम द टॉप व्हिच आई हैव मेनी बॉक्स. यस. अपने बॉक्स का कलेक्शन तो देख ही होगा लेकिन फिर भी दिखा लेते हैं. मेरे पास पॉपिट डायरी है ये क्लाउड वाला. फिर ये दो यूनिकॉर्न वाले हैं. दो नहीं तीन. हाँ ये दोनों ग्लिटरी वाले सेम है ना. तो फिर ये वाला भी है. फिर ये टर्टल वाला जो मैंने डीआईवाई बनाया था. फिर ये फर वाला है. फिर ये
सकुरा सीजन का है और ये एलोवेरा वाला मिनी डायरी है। ओके और एक आपने फर वाला बनाया था ना, वो बड़ा वाला है ना, ये देखो ये रिक्रिएशन है जो हमने किया था, बड़ा फर डायरी हमने बनाया था। ये यूनिकॉर्न वाला, तो ये सारे डायरीज है स्टार के। और भी हमारे पास। ओके चलो चलो पहले ये रोलर है, स्टैम्प रोलर। यस, फिर ये ग्लिटर ग्लू है। फिर इसमें तो मेरे सारे स्टिकर्स पड़े हैं जो ओवरफ्लो है अंदर इसे मैं कैसे भी करके बंद कर दिया। ये एक रैंडम बॉक्स है, मैं इसमें कुछ रख सकती हूँ। फिर ये भी स्टिकर वाला बॉक्स है। फिर ये वाला एक बॉक्स, मैंने इसमें सारे अपने डिजाइनर वाले टेप कैसे भी करके एक बॉक्स में फिट कर दिया, वरना पहले दो बॉक्सेस में करते थे। तो ये सारे स्टार के डिजाइनर टेप्स है। फिर ये मेरा मैजिक यूनिकॉर्न का डो कप है। फिर इसमें मैंने अपने कुछ ये ग्लिटर शीट्स के स्टिकर्स, ग्लू स्टिक वगैरह रखे हैं। फिर ये मेरे पास ये सीक्वेंस डायरी है, ये वाला मेरे पास, ये यूनिकॉर्न वाला डायरी है मेरे पास, कुछ डोरेमोन के स्टिकर्स है, वर्ड सर्च है मेरे पास, ये वाला डायरी है मेरे पास, बटरफ्लाई वाला डायरी है, ऐसे क्यूट वाले पेजेस है, उसमें ब्लू कलर में भी है। फिर मेरे पास ये लिक्विड पाउच है, बहुत ही अमेजिंग सा। फिर ये मेरे पास ये ग्लो इन द डार्क नेकलेस है, ये आई डोंट थिंक मैं स्टेशनरी में काम कर सकती हूँ लेकिन मैं इधर ही रखती हूँ इसको। फिर मेरे पास ये मिनी डायनासोर वाला डायरी है, ये ऐसे लॉक वाला और इसके पेजेस डायनासोर वाले हैं ऐसे। फिर ये मैंने एक पाउच बनाया था यूनिकॉर्न वाला, और वैसे ही सेम मैंने इसमें बनाया था। आपने इसका शॉर्ट देखा होगा, होपफुली आपने देखा होगा। फिर ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स, आई थिंक ये इधर होना चाहिए पर आई डोंट नो मैंने उसको उधर क्यों रख दिया। फिर ये गिफ्ट टैग्स है हमारे पास। फिर ये LCD राइटिंग टैबलेट। फिर ये इसमें कुछ रैंडम वाले क्या बोलते हैं इससे स्टेंसिल्स वगैरह है, अगर आप मुझे स्टिकर्स वगैरह बनाना है, होममेड स्टिकर्स। फिर मेरे पास ये है कलरिंग बुक एकदम फ्रेश न्यू, ये स्टिकर बुक जैसे है, जैसे आप पील करो तो फिर वो ऐसे स्टिकर का होता है, इसीलिए स्टार का यूज़ नहीं हुआ ये कभी। yes, इसलिए पूरा भरा हुआ ना, अभी तक तो यूज़ हो चुका हो रहा था। ओके फिर ये मेरे पास कुछ प्ले के ये ऐसे वाले हैं, ड्रेसअप डॉल स्टिकर, यस वो वाले लिया था, इस साइड में जाता है। फिर इसमें मैंने कुछ अपने क्यूट पेंस वगैरह रखे, आप देख सकते हैं, फर डायरी, आई एम सॉरी फर डायरी नहीं, फर यूनिकॉर्न वाला पेन, कुछ ग्लिटर पेंस है, और आपको इधर मेरे कुछ कीचेन दिख रहे हो गए, ऐसे कुछ पेन और पेंसिल टॉप्स है मेरे पास, इसके अंदर स्टैम्प्स भी है, मैंने कैसे भी करके सारे इसमें फिट कर दिया है। तो बहुत कुछ है स्टार का इसमें, ग्लिटर लिक्विड पेंस वगैरह भी है, और कुछ पेन मैंने बाहर रखे हैं। ये छोटा वाला बॉक्स पहले ये दिखा देते, फिर ये छोटा वाला बॉक्स दिखा लेते हैं। तो इसमें एक छोटा सा ये होल्डर है मेरे पास, ये एक लिक्विड पेन है, एक बम्बल बी वाला, ये मैंने एक स्प्रिंग रखा है अगर मुझे कुछ दूसरा डायरी बनाना होगा, और डायरी। फिर मेरे पास ये छोटा एक और होल्डर है इधर, इसमें लॉन्ग बड़े वाले पेन्स है। ये मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सा सीक्वेंस वाला, सीक्वेंस मतलब कि ऐसे स्ट्रिप्स जैसे वाला है, ऐसे कुछ शाइनी स्ट्रिप्स वाला एक है। फिर ये रैबिट वाला है, एक बहुत ही फ्लफी आई गेस शाइनी जैसा वाला है, ये फ्लफी फेदर पेन है, फेदर फेदर बहुत ही क्यूट फर्री वाला फेदर पेन, फेदर पेन है। फिर मेरे पास एक पॉपेट कीचेन है, आपने देखा होगा कि मुझे डायनासोर बहुत पसंद है, इसे मैंने पॉपेट डायनासोर कीचेन लिया है। फिर मैंने ये एक स्माइली वाला एक पिंक पेन लिया है मैंने, शाइनी वाला। फिर मेरे पास कुछ कटर्स रखे हैं, ये तीन वाले कटर्स, आपने देखा होगा कि मेरे पास डॉल्फिन कटर भी है, तो मैंने तीन वाले वो भी रखे थे, तो इधर ही मैं रखूँगी उसके साथ। Okay. और हाँ मैंने कुछ मिस कर दिया, ये मेरे पास एक स्माइली वाला इरेजर है, और ये स्टैम्प ही क्राउन वाला स्टैम्प, और स्टैम्प्स का और स्टैम्प्स का ये होल पंचर, होल पंचर सॉरी, हाँ वही, और होल पंचर्स का आपके एक और वाला आई थिंक इन बॉक्स, इसमें एक बॉक्स में पड़ा है, तो उसी में डाल दो ना। हाँ उसमें ही डाल दूंगी मैं, बाद में डालती हूँ बिजला। फिर मेरे पास ये कुछ इरेजर है, ये डोरेमोन इरेजर, रिंग इरेजर और यूनिकॉर्न वाले, इसमें मैंने एक छोटे से जिप लॉक बैग में डाल दिया। फिर ये ग्लिटर सीक्वेंस वाला है, आप ऐसे घुमाओ और ऐसे गिराओ आपने, मैंने इसको यूज़ करके पेंसिल होल्डर बनाया था मैंने, वो दिख नहीं रहा मुझे वो, इसमें
नहीं पाउचेस उनमें से एक पाउच में है. अच्छा अच्छा. फिर ये मेरे पास बहुत सारे टेप्स है, टिक वाला डबल साइड टेप, टिन डबल साइड टेप, पेपर टेप और क्लियर टेप. पेपर टेप है? यस गुड. पेपर टेप ये छोटे वाले क्लियर टेप ये मेरे पास है, आप देख सकते हैं. फिर मेरे पास ये होल पंचर है और दैट्स ऑल. माय गॉड, सो दिस इज व्हाट इज देयर. बट वी डिडंट रियली क्विक. ओह वेट, मोर टेप्स, सम मोर टेप्स एंड देन दिस वन. आपने ये एग का वीडियो आपने शॉर्ट्स में देख लिया होगा, आई होपफुली आपने देखा होगा. अगर नहीं देखा तो शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं. ओके फाइन, फाइनली ये बॉक्स इज एम्प्टी. यस एंड एवरीथिंग दिखा दिया है हमने, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. यस, कुछ कुछ चीजें जो है ये इधर उधर पड़े होंगे, कैबिनेट है या तो इधर उधर पड़े रहते हैं. यस, और स्टार का और एक कैबिनेट, कुछ ग्लिटर शीट भी है. हाँ, क्राफ्ट कैबिनेट में वो सब yes. रखे हुए, लेकिन वो सब हम अभी नहीं दिखाएंगे. यस, सो दिस इज द एंटायर स्टेशनरी कलेक्शन ऑफ स्टारलेट. और होपफुली आपके पॉपकॉर्न भी खत्म हो गए कभी और साथ में स्नैक्स भी खत्म हो गए रहेंगे. बहुत लंबा वीडियो बन गया. बट एनीवेज गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए. जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सो गाइस, सब्सक्राइब बटन के बाजू में ही बेल बटन है, क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. हम लोग एवरीडे वीडियो डालते हैं और एवरीडे आपके लिए न्यू वीडियोस आते हैं. यस, एवरीडे वीडियो डालते हैं. सो गाइस सब्सक्राइब. यस ओके, बाय बाय एवरीबॉडी. नाउ दिस इज अ मेस, स्टार अभी क्लीन करेगी. और ये स्टार का रूम है, एक ओवरव्यू ले लीजिए. ये स्टार का बेड है और ये स्टार के टॉय बॉक्सेस है और यहाँ पे हमारे लगेज बैग्स है. दैट्स इट. ओके बाय बाय. Bye.